नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज की अपडेट है अप्रेंटिस से रिलेटेड। तो बताना चाहूँगा आपको कि अप्रेंटिस पोर्टल पे एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जिस भी ट्रेनी का नाम इस लिस्ट में होगा वही ट्रेनी एग्ज़ाम दे पाएगा। तो ये अपडेट आ रखी है पुराने पोर्टल से रिलेटेड। तो जिस भी ट्रेनी का पुराने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन था और जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट पुराने पोर्टल पे हो रखा है, तो उनके लिए TGT द्वारा एक गाइडलाइन आई थी बीच में कि वह नए पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन ना करें। उनका जो हॉल टिकट होगा वो सभी पुराने पोर्टल पे ही जनरेट किए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड ही एक अपडेट आई है, तो आपको इस वीडियो में वही अपडेट दी जाएगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारा अप्रेंटिस का पुराना वाला पोर्टल apprenticeship.gov.in, यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं। तो इसमें जाके आप नीचे ऑप्शन में जा सकते हैं, अपडेट न्यूज़ का ऑप्शन, न्यूज़ के ऑप्शन में अपडेट एंड न्यूज़ के ऑप्शन में ये आप जाएंगे। यहाँ पे 17/9/21 से 21 के नाम से एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें लिखा गया है हॉल टिकट्स ऑन विप्रो पोर्टल शुड नॉट रजिस्टर फॉर 111 AITT थ्रू IBM पोर्टल। तो जिस भी कैंडिडेट ने IBM पोर्टल के थ्रू 111 शिक्षुता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका जो प्रवेश पत्र है हॉल टिकट वो विप्रो के पुराने पोर्टल पे ही जनरेट किया जाएगा। तो इसमें एक लिस्ट अपलोड की गई है एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल फॉर्मेट में अपलोड की गई है। इसमें आप सभी अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में होगा उनका हॉल टिकट विप्रो पोर्टल यानी कि पुराने वाले पोर्टल पर apprenticeship.gov.in पे ही इस पर अपलोड होगा। तो आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे हम डाउनलोड करेंगे एक्सेल फाइल को। तो आपको बताना चाहूँगा जब भी आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे तो या तो आपका फ़ोन सपोर्ट करे एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा एक्सेल ओपन करने के लिए। तो डाउनलोड करते हैं हम इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे हम। तो ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो चुकी है। तो इसमें लगभग 22,000 कैंडिडेट के नाम है। तो इसमें आप अपने नाम से या रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो इस जो एक्सेल फाइल है इसमें सर्च करने के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है जिससे हम एकदम से अपना सर्च कर सकें। तो इस जो आसान तरीका है इसमें है रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका A08 से है तो आप इसको डायरेक्ट जाके A08 से शुरू कर सकते हैं। फिर वहाँ पे अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी सीरीज से अपना नाम, ट्रेड और कौन से टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे, फर्स्ट टाइम है या सप्लीमेंट्री, वो सब आपकी डिटेल, इस्टेब्लिशमेंट की डिटेल और आपका नाम सभी इस लिस्ट में दिया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है उसका एडमिट कार्ड विप्रो पोर्टल पे जनरेट होगा जो apprentice.gov.in का पोर्टल है। तो आज की अपडेट में इतना ही। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।